पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा आयशा उमर ने कहा है कि उन्होंने शादी का फैसला कर लिया है, इसलिए कॉलर बोन सर्जरी करवा रही हूँ। ऑपरेशन से कबल रिकॉर्ड होने वाले अपने एक इंटरव्यू में अदाकारा ने अपने हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे ड्रामा सीरियल बुलबुले की शूटिंग चल रही थी, इसी दौरान मुझे एक दिन की शूट के लिए कराची से हैदराबाद जाना था। मेरे साथ अदाकार असफर रहमान भी थे। उन्होंने बताया कि इस दिन मेरा ड्राइवर छुट्टी पर गया हुआ था। हम असफर रहमान के ड्राइवर के साथ जा रहे थे जो कि हाईवे पर बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। मैं पिछली सीट पर बैठी हुई थी। मेरी गलती थी कि इस वक्त मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। आयशा उमर का कहना था कि अचानक हाईवे के दरमियान में टूटी हुई सड़क आ गई। हमारी गाड़ी के साथ ही एक ट्रक था जो इस घड़े से बचने के लिए बगैर इंडिकेटर दिए हमारी लेन में आया और इससे हमारी गाड़ी टकरा गई। अदाकारा ने कहा कि हादसे के नतीजे में मेरी कॉलर बोन टूट गई, मुझे 5 फ्रैक्चर आए थे। इस वक्त मुझे 2 डॉक्टर्स ने सर्जरी का मशवरा दिया जबकि एक डॉक्टर ने तसल्ली दी कि ये जुड़ जाएगी, लेकिन ये नहीं जुड़ी और अब 8 बरस बाद इस हड्डी की हालत मज़ीद ख़राब हो गई है। आयशा उमर का मज़ीद कहना था कि अब शादी का फ़ैसला कर लिया है, इसलिए सर्जरी करवा रही हूँ ताकि शादी के बाद अपने बच्चों को गोद में उठा सकूँ। अभी मैं बामुश्किल 1.5 से 2 किलो वज़न ही उठा सकती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि सर्जरी के बाद मैं मुकम्मल सेहतयाब हो जाऊंगी। शोबिज़ की आवाज़ के व्यूवर्स, आपको आयशा उमर कैसी लगती है? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।